प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 की वसंत के एक पाठ जो देख कर भी नहीं देखते के बारे में चर्चा करेंगे। इस पाठ की लेखिका हैं हेलन केलर। आइए सबसे पहले हम हेलन केलर के बारे में जानते हैं। हेलन केलर का जन्म 1880 में हुआ था और उनका निधन 1968 में हुआ था। वे अमेरिका में जन्मी थी और ये एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता रहा। हेलन केलर जो थी वो देख भी नहीं सकती थी और सुन भी नहीं सकती थी। जब वो 1.5 वर्ष की थी, उसी समय एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी आंखें जाती रहीं। वो कहती हैं कि मुझे ज़्यादा तो कुछ याद नहीं, लेकिन ऐसा लगता था कि जैसे रात खत्म होती ही नहीं है और सुबह क्यों नहीं हो रही है। उन्होंने कॉलेज के दिनों में ही अपने आत्मकथा पर उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है स्टोरी ऑफ लाइफ। ये बहुत सारी भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ था। अपने बचपन की एक घटना को याद करते हुए वे कहती हैं, कभी कभी मैं मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, मतलब अपने मित्रों का टेस्ट लेती हैं, वो चेक करती हैं कि वे कैसा अनुभव करते हैं। यह परखने के लिए, परखना क्या होता है, जांचने के लिए, यह जांचने के लिए कि वे क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर के बाद वापस लौटी। मैंने उससे पूछा, आपने क्या क्या देखा? कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी थी। जब भी उसकी फ्रेंड्स, उसकी मित्र कहीं से लौटती थी, वो पूछती थी क्या देखा, तो वो कहती थी कुछ खास तो नहीं। अब लेखिका को हैरानी क्यों नहीं हुई, क्योंकि उनको आदत हो गई थी ऐसे उत्तरों की, ऐसे जवाब देने की। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। ऐसा क्यों कहा लेखिका ने, क्योंकि हम बहुत ध्यान से चीज़ों को नहीं देखते हैं, हम अपनी धुन में मस्त रहते हैं। तो इसलिए लेखिका कहती हैं कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं, यानी कि वो चीज़ों को ध्यान से नहीं देखते हैं। क्या ये संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर कोई विशेष चीज़ ना देखे? मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती हैं। रोचक क्या होता है, जिनको आप पसंद करें, आकर्षक, यानी कि जिनको देखने में आपको अच्छा लगे, जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल, चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। वह छूने से ही पहचान लेती हैं कि कौन सी छाल खुरदरी है और कौन सी चिकनी। जबकि हम लोग जिनकी आंखें हैं, हमने शायद कभी ध्यान से, छाल क्या होता है, किसी पेड़ की बाहर की कवरिंग, आउटर कवरिंग, ठीक है। तो वो कहती हैं कि मैं उनको छूकर पहचान लेती हूँ कि कौन सी छाल खुरदरी है और कौन सी चिकनी। वसंत के दौरान, मतलब जब वसंत का मौसम आता है तो नई नई कलियाँ खिलती हैं, तो वो कहती हैं नई नई कलियाँ खोज लेती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह और उनकी घुमावदार बनावट छूने में, महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। अब मखमली क्या होता है, आपने वेलवेट देखा हुआ है, शनील, तो उसे कहते हैं मखमल। तो वैसी नरम नरम फूलों की बनावट को, गोल गोल घुमावदार बनावट को छूने में, उनको महसूस करने में उनको बहुत आनंद मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। भाई सचमुच प्रकृति में जादू तो है। कभी अपने चारों ओर देखो, फूलों के रंग देखो, वृक्षों की बनावट देखो, हर वृक्ष अलग बनावट का होता है, हर फूल अलग रंग लिए हुए होता है, अलग खुशबू होती है उसकी। तो वो कहती हैं कि प्रकृति के जादू का एहसास होता है, मतलब वो उसको अनुभव कर पाती हैं। कभी जब मैं खुश नसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। उनको झनझनाहट होती है उस टहनी में और उनको ऐसा महसूस होता है कि कोई चिड़िया मधुर स्वर में गा रही है। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित होती हूँ। आप भी कभी बहते हुए पानी में हाथ रख के देखिए कैसा आनंद महसूस होता है।
मुझे चीड़ की फैली पत्तियां या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। कालीन क्या होता है? कारपेट जो हम फर्श पर बिछाते हैं। और कुदरत ने बगीचों में एक बिल्कुल ही खूबसूरत कालीन बिछा के रखा हुआ है जो किसी भी महंगे कालीन से ज्यादा कीमती है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियां भर देता है। जब मौसम बदलता है हम सबको भी अच्छा लगता है। सर्दी जाती है तो हमें उम्मीद होती है कि अब स्वेटर गर्म कपड़े उतर जाएंगे और खुशनुमा मौसम हो जाएगा। इसी तरह से जब गर्मी जाती है तो हमें हल्की हल्की ठंडक का एहसास होता है, हमें अच्छा लगता है। तो लेखिका को भी, हेलेन केलर को भी, मौसम का बदलना बहुत अच्छा लगता था। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है, क्योंकि उनको दिखाई नहीं देता था तो वे बेचैन हो जाती थी। उनका मन करता था कि वो इन सब चीज़ों को देखें। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो इनकी सुंदरता को देखकर मेरा मन तो मुग्ध ही हो जाएगा। मुग्ध मतलब बिल्कुल आकर्षित आकर्षित हो जाएगा और मस्त हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग-अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। संवेदना का मतलब होता है मर्म, यानी कि वो उनके अंतर्मन को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। ईश्वर ने हमें क्षमताएं दी हैं देखने की, सुनने की, लेकिन हम कभी भी उसकी कद्र नहीं करते, ऐसा लेखिका का मानना है। वह हमेशा उस चीज की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज समझते हैं। ये बात बिल्कुल सच कही है लेखिका ने। हमें, जैसे गांधी जी ने भी कहा था ना, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, ऐसे ही हमें भी सोचना चाहिए, क्योंकि दृष्टि एक आशीर्वाद है, एक ब्लेसिंग है हमारे लिए। और हम करोड़ों रुपए भी अगर किसी को दे दें तो कोई अपनी दृष्टि हमें नहीं देगा, अपनी आंखें हमें नहीं देगा। तो हमें उसकी कीमत को समझना चाहिए और हमें हमेशा अच्छी चीज़ें देखनी चाहिए, अच्छी चीज़ें सुननी चाहिए, अच्छी बातें सुननी चाहिए और मुंह से अच्छा ही बोलना चाहिए। या आप उन लोगों से पूछिए जिनको ये सब आशीर्वाद नहीं मिले हैं, उनको कैसा महसूस होता है। तो वो कहती हैं कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं, जबकि इस नियामत, नियामत क्या होता है? उपहार, गिफ्ट। जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। इसका क्या अर्थ है? कि अगर हम अपने दृष्टि के आशीर्वाद की कीमत को समझें, उसको वैल्यू करें, तो हम अपने आसपास जो प्रकृति ने छटा बिखेर रखी है, जो सुंदरता बिखेर रखी है, हम उसको महसूस करें और अपने जीवन को रंग बिरंगा बना दें। कई बार हम बगीचे में घूम रहे होते हैं, हम अपने कानों में एयरफोन लगाकर, हेडफोन लगाकर वॉक करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हमने आसपास जो कुदरत ने इतनी सुंदर छटा बिखेर रखी है, हमने उसको देखा ही नहीं, उसको महसूस ही नहीं किया। तो क्यों ना आज से हम सब प्रण लें कि हम प्रकृति भ्रमण के लिए जाएंगे, नेचर वॉक के लिए जाएंगे और अपने आसपास प्रकृति ने, नेचर ने जो भी खूबसूरती बिखेरी है उसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे और उसको महसूस करेंगे, तो हम बहुत अच्छा महसूस करेंगे। तब हम सचमुच भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने हमें आंखें दी, हमें जुबान दी, हमें कान दिए, हमारे शरीर के अंग सब ठीक ठाक हैं, तो हम उसका लाभ उठाएं।